टूटने के कगार पर है कांग्रेस जेडीएस गठबंधन। कुमार स्वामी से हो चुका है कांग्रेस का मोह भंग। क्या मध्यावधि चुनाव की राह पर है कर्नाटक? कर्नाटक की सियासत एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 13 महीने पुरानी एचडी कुमार स्वामी सरकार कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस और जेडीएस के बीच खींचतान काफी दिनों से जारी है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हालात और बिगड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता बगावत पर उतारू हैं, तो जेडीएस ने भी मध्यावधि चुनाव के संकेत दे दिए। पूर्व पीएम और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा के बयान के बाद सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। और आरोग्य ने देवगौड़ा ने कहा है कि कांग्रेस का बर्ताव ऐसा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनसे निवेदन किया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार बनाई। इससे पहले सीएम एचडी कुमार स्वामी भी कई बार कांग्रेस नेताओं के रवैये को लेकर खुलेआम घड़ियाली आंसू बहा चुके हैं। हालांकि एचडी देवगौड़ा ने कुछ देर बाद ही मध्यावधि चुनाव वाले अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ನಡವಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವ್ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. दरअसल लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच तल्खी और बढ़ गई। चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीतकर गठबंधन का सूपड़ा ही साफ कर दिया। कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट पर संतोष करना पड़ा। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर वो अकेले लड़ते तो ज्यादा सीटें जीतते। इस वजह से खटपट और तेज हो गई। कर्नाटक संकट पर बीजेपी का कहना है कि कुमार स्वामी सरकार अपने लास्ट स्टेज पर है। अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों दल जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस इस सरकार में बने हुए हैं। ये सरकार लंबी समय नहीं चल पाएगी, ये बिल्कुल कुमार स्वामी के बयान से स्पष्ट हो रहा है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही कर्नाटक सरकार के गिरने के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी पर तख्ता पलट की कोशिशों के आरोप लगे थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच लगता नहीं है कि कांग्रेस और जेडीएस का साथ ज्यादा दूर तक रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2018 में चुनाव हुए थे, जिसमें किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 104 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिलीं। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और बीएस येदुरप्पा ने शपथ भी ले ली, लेकिन वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन कर लिया और एचडी कुमार स्वामी सीएम बने। सिर्फ 37 विधायकों के साथ कुमार स्वामी कर्नाटक के सीएम तो बन गए, लेकिन उन्हें कांटों भरा ताज मिला, जिसे संभालना आसान नहीं था। जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और सरकार संकट में आ गई। हकीकत ये भी है कि मध्यावधि चुनाव न तो कांग्रेस चाहती है और न ही जेडीयू, क्योंकि चुनाव हुए तो उनकी हार तय है। बीजेपी मौके की ताक में है और लोकसभा चुनाव की लहर के बीच सत्ता में उसकी वापसी तय है। फिलहाल देखना यह है कि कुमारस्वामी सरकार कब तक चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।